हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ आप खुद से घर पे कैसे हाईलाइट कर सकते हो, या फिर अगर आप बिगिनर हो तो आपको कैसे स्टार्टिंग करना चाहिए ब्यूटिशियन में। क्योंकि ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में कोई भी बड़ी बड़ी यू नो पैकेट या बड़ी बड़ी डब्बे नहीं लेती है कलर की या फिर डेवलपर की। तो आज मैं छोटे से पैक से आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगी। वैसे तो ये सिर्फ और सिर्फ इसे ब्लॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आप कलर भी कर सकते हो, लेकिन और इसे कलर करेक्टर भी कहते हैं। ये हमारे जो हेयर के कलर होता है उसे ये काटता है, मतलब उसे करेक्टर, मतलब आप समझ ही रहे हो। तो इसके ऊपर कोई भी कलर हम कर सकते हैं और आप ऐसे भी रख सकते हो। तो यहाँ पर आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हो, 160 रुपीज़ इसकी MRP है। कहीं आपको 140 मिलेगी, कहीं आपको 150 मिलेगी, कहीं 160। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है फॉयल पेपर। फॉयल पेपर बहुत ज़रूरी होता है कोई भी हाईलाइट अगर आप करते हो। उसको मैंने पीसेस में कट कर लिए हैं ना। इसकी पैकेजिंग आप देख लीजिए, मैं एक हाथ से ही निकाली हूँ क्योंकि एक हाथ से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एंड इसमें एक शीट दिया होता है जिसमें कि आपको सब कुछ लिखा होता है, आपको कैसे करना है, कितने देर रखना है। एंड ये है ब्लॉन्डर पाउडर, जैसा आप देख सकते हो मैंने कहा था ये ब्लॉन्डर है, तो ये ब्लॉन्डर पाउडर। एंड इसके साथ डेवलपर दिया हुआ है जो कि है 20 डेवलपर। और यहाँ पर एक स्पून जैसा कुछ दिया हुआ है, बट ये फालतू का है, वेस्ट ऑफ क्या बोलूँ, कुछ भी इससे वर्क नहीं होता। एंड यहाँ पर कंडीशनर दिया हुआ है जो कि आपको लास्ट में करना है। एंड यहाँ पर यूज़ एंड थ्रो ग्लव्स भी दिया हुआ है। तो इससे इसमें ही हम यू नो अपना पेस्ट रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर शैम्पू, सबसे पहला स्टेप है शैम्पू करना, ऑयल नहीं होनी चाहिए। शैम्पू करके यहाँ पर हेयर को ड्राई किया जा रहा है। इसके बाद आप मिक्स करना, देख लीजिए 150 की पैकेट में आपको ऐसी ही मिलती है कि इसमें आपके 4 हाईलाइट्स जो है अच्छे से हो पाएंगे, 4 और 5 उससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने मोटी या पतली ले रहे हो जो स्ट्रिप लेना है। एंड पूरी मैंने यहाँ पर ब्लॉन्डर पाउडर में पूरा डेवलपर 20 वॉल्यूम मिक्स कर दिया। एंड ये मिक्स करने के लिए स्पून जैसा, ये स्पैचुला जैसा सही है, बट लगाने के लिए बिल्कुल फालतू है। आप देखो, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी लगा के। तो यहाँ पर मैं आपको ये वाली पैकेट इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लोग यू नो बड़ी बड़ी वाली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड मैं तो पार्लर में सब कुछ बड़ी वाली ही रखती हूँ, यू नो ब्लॉन्डर हुआ या कलर हुआ, सारी मैं बड़ी वाली रखती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए इसका, इसकी जो थिकनेस है इस तरह का तरीके से ही होगी। एंड इनको मैं पतली पतली सेक्शन निकाल रही हूँ, स्ट्रिप निकाल रही हूँ, 4 स्ट्रिप मैंने निकाला है। एंड इनकी टैंगल्स बहुत पड़ती है, सो यहाँ पर आपको अच्छे से पहले टैंगल फ्री कर लेना है। एंड इनके मैं जितनी भी टैंगल फ्री कर लूँ, इनकी जो टैंगल्स पड़ ही जाती हैं। तो यहाँ पर मैं 4 निकाला, उसमें से और भी पतली 4 स्ट्रिप निकाली मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देखिए। एंड इसे अब हम बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग करने से 2 फायदे हैं। पहली बात तो आपके स्कैल्प में ये कलर नहीं लगेगी, एंड लगनी भी नहीं चाहिए गलती से भी। एंड दूसरी बात, जब कलर हो जाएगी तो बहुत स्मूथली आपकी हेयर कलर दिखेगी, यू नो ऐसा नहीं दिखेगा कि एक लाइन कहीं से स्टार्ट हुआ है ख़त्म हुआ, ऐसा नहीं दिखेगा, वो ब्लेंड किया हुआ दिखता है। सो यहाँ पर फॉयल पेपर मैंने ले लिया है और इस तरीके से मैंने इसे रख दिया है। एंड यहाँ पर मैंने टेलकॉम लिया हुआ है, उसकी जो टेल वो यू नो मेटल की है, बट आप ऐसा नहीं करोगे आप जब, क्योंकि आपको कॉम, मैंने सिर्फ हेयर सेक्शन को निकालने के लिए टेलकॉम यूज़ किया था। और यहाँ पर आप देखिए इसमें जो स्पैचुला दिया था, इतना बकवास था कि हेयर फंस रहा था। तो यहाँ पर मैं एक ब्रश की हेल्प से हाईलाइट क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मिक्सचर है ब्लॉन्डर एंड डेवलपर का, इसे मैं अप्लाई कर दूंगी। एंड इनकी हेयर काफ़ी लेंथ है, लॉन्ग है, तो इनको मैं इस तरीके से मोड़ दूंगी जैसा कि आप देख सकते हो। एंड ये आप ऐसे भी कर सकते हो, बिना फॉयल पेपर के भी कर सकते हो, बट हम प्रोफेशनल को फॉयल पेपर देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने फॉयल पेपर दिया है, आप नहीं भी दोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से लगा लिया, आप देख सकते हो किस तरीके से मैं लगा रही हूँ, अच्छे से यू नो एक एक बाल तक पहुँच जाना चाहिए। एंड यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद इसे मैं इस तरीके से मोड़ दूंगी। और आप देख रहे हो मेटल का जो मैंने टेलकम लिया हुआ है, वो आपको क्रीम में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो आपने देखा मैंने जस्ट उसको यूज़ किया है हेयर को निकालने के लिए एंड फॉयल पेपर को फोल्ड करने के लिए, दैट्स इट। आपको मेरी क्रीम में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मेटल। तो अगर आपके पास मेटल की कॉम्ब है तो आप उसे यूज़ मत करिए, नॉर्मल कॉम्ब भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर 2 सेक्शन मैंने ऑल निकाल लिया है। तो यहाँ पर बैक में टोटल 4 या 5 सेक्शन होंगे, क्योंकि एक बार में 4 सेक्शन आना मुश्किल था, 5 सेक्शन हुए हैं।
तो तीन मैंने एक बार लिया, अब दो मैंने एक बार में लिया है। एंड यहाँ भी सेम प्रोसेस से मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड ग्लव्स पहन के मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो इसलिए मैंने निकाल दिया। वैसे मेरे हाथों में बिल्कुल भी नहीं लगी है, बट अगर आप बिगिनर हो तो आपके हाथों में लग सकती है। सो आप ज़रूर से ज़रूर ग्लव्स पहन के ही काम करेंगी। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि मुझे स्वेट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, स्पेशली जब मैं एसी में रहती हूँ तो मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेट आती है। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड यू नो जो रबर वाली ग्लव्स आती है वो बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हाथों में नहीं लगने वाली है, बट आप लोग लगा लेना। तो यहाँ पर इस तरीके से रखने के बाद आपको हर 5 मिनट में चेक करना है आपको जिस जैसा कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग। मैंने सीधे 10 मिनट बाद निकाल दिया क्योंकि इनको डीप ही चाहिए था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कलर ही, क्योंकि ये शेड नंबर 1 है तो इसका कलर ऐसा ही आएगा, हार्डली ऐसा ही आएगा। और आपको 10 मिनट से ज़्यादा इसे रखना भी नहीं है, अच्छा नहीं होता हेयर के लिए। जैसा भी हो ये ब्लीच ही है ना। यहाँ पर हेयर को वॉश किया जा रहा है नॉर्मल वाटर से, ऑफकोर्स नॉर्मल वाटर से वॉश करना है क्योंकि हमें कंडीशनर यूज़ करना है। जहाँ जहाँ हमने हाईलाइट किया है वहाँ वहाँ हमें कंडीशनर ज़रूर से यूज़ करना है, क्योंकि ब्लीच होने के बाद वो वाली हेयर जो है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है। तो इस वजह से ड्राई होने की वजह से ही कलर बहुत जल्दी पकड़ती है। इसके ऊपर आप कोई भी कलर करो, रेड करो, ब्लू करो, ब्लू करो या कोई भी कलर करो, बहुत जल्दी पकड़ेगी। तो यहाँ पर कंडीशनर लगा के हमें 2 मिनट छोड़ देना है एंड इसके बाद आपको हेयर को नॉर्मल वाटर से वॉश करके ड्राई करना है। याद रहे कभी भी कंडीशनर को स्कैल्प में नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हो चुका है ड्राई एंड यहाँ पर है फाइनल लुक। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। अगर हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड आप लोग शेयर प्लीज़ कर लेना। एंड ब्यूटिशियन क्लास के साथ मेरी अदर्स वीडियो भी आप देखा करें, क्योंकि अदर्स वीडियो में मैं मेकअप के बारे में बताती हूँ, जैसे प्रोफेशनल फाउंडेशन, प्रोफेशनल कंसीलर, प्रोफेशनल कॉम्पैक्ट, प्रोफेशनल एवरीथिंग मैं अलग अलग पार्ट में कर रही हूँ। तो वो सारी वीडियो भी आपको देखनी काफ़ी ज़रूरी है। तो या यही था वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में यहीं तक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।